पूर्णिया में रिश्तों को शर्मसार करते हुए पत्नी और बेटे ने मिलकर पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना अमौर थाना के बड़ा ईदगाह की है, जहां वैध संबंधों की वजह से अमीनुद्दीन की हत्या कर शव को छुपाने के लिए पानी में फेंक दिया गया। वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक का दूसरा पुत्र चांद घर पहुंचा और उसे अपने पिता की हत्या के बारे में पता चला। बताया, उसके बाद हम उसको यहाँ पे आए तो कुछ नहीं, जो हमारा छोटा भाई चांद है उसने बताया कैसा सा घटना हुआ। क्या बताया? बोर्ड के बताओ ना कि इसको मार दिया। हम लोग का कोई लगेगा? किसने मारा? मिन्नी और हम लोग। पुलिस जो पहुंची है तो कब पता चला? कल किए थे। कल खबर किए थे? तो ये कितने दिन पहले घटना है? ढाई तीन महीना पहले घटना है। तो इस बीच में खोजबीन नहीं किया? तुम्हारे पिताजी कहाँ है? फिर पता नहीं कर पाए? फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं हत्या के बाद से ही सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।